भारत की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही एक मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस हरियाणा में आ गई तो यहाँ पर भी यही करेगी, लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग का विरोध होने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि 1957 में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काका कलेलकर कमीशन बना था, लेकिन कांग्रेस ने कई सालों तक इसे लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, और जब 1990 में इसे लागू किया गया था तब संसद में राजीव गांधी ने 2 घंटे 43 मिनट के अपने भाषण में ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकारें बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचती थी, वहीं दूसरी सरकार आने पर गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। देश को पिछड़े वर्ग का पहला सशक्त प्रधानमंत्री देने का काम बीजेपी ने किया है। शाह ने कहा कि 71 में से 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से देकर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा और देश के ओबीसी का सम्मान किया है। बीजेपी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग संवैधानिक अधिकार देने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में किया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने राज्य में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 8 लाख में से सैलरी और कृषि आय नहीं गिनी जाएगी, जिससे राज्य में अब ओबीसी वर्ग के सभी बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला काफी विवादों में रहा। राज्य में ओबीसी वर्ग को 32% आरक्षण मिलता है। इसी कैटेगरी 2A में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से यहां मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया था। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए ओबीसी का हक छीनना चाहती है, इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है।